गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। डे 3 और अभी हम ये रूम चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से डेन हैक से, और यहाँ से चेकआउट करने के बाद हम जाएंगे दोबारा सेंट्रल स्टेशन के पास। वहाँ पे कुछ और इनकी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, वहाँ पे हम घूमेंगे और वहाँ से फिर हमारी शाम की ट्रेन भी है और एक इंडियन रेस्टोरेंट है वहाँ पे हम खाना भी खाएंगे। तो हम चलते हैं, पहले चेकआउट करते हैं और फिर सी के पास से घूमते हुए ट्रेन लेंगे और देन आपको सेंट्रल यहाँ पे जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है वो दिखाएंगे। लेट्स गो। नीदरलैंड बहुत ही सुंदर है, जगह जगह कैनाल है, हर जगह तो कैनाल है। लोग साइकिलिंग इतनी करते हैं ना यहाँ पे, हर कोई साइकिलिंग कर रहा है यहाँ पे। साइकिलिंग ट्रैक सेपरेटली यहाँ बने हुए हैं, और पता है यहाँ पे ना लोग बोट भी अपनी जगह पर्सनल ला के अपनी बोट से घूमते रहते हैं। बीच के पास से ट्रेन नंबर 9 ली है और 9 लेके हम जाएंगे कृष्णा रेस्टोरेंट। हम लास्ट टाइम आए थे, उनका खाना हमें बहुत पसंद आया था और वहाँ पे हम खाना खाएंगे और फिर सेंट्रल एक्सप्लोर करेंगे। रेस्टोरेंट यहाँ पे थोड़ा लेट ही खुलते हैं, 12 बजे खुलते हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट। अब लेट्स सी। और अब रेस्टोरेंट यहाँ पे देखते हैं, मैं अभी हम पहुँचे 11:30 हो रहे हैं और देखते हैं अगर ओपन हो गया होगा तो नहीं तो थोड़ी देर यहाँ पे वेट कर लेंगे। और देन आप लोकेशन देखो पीछे कितना सुंदर है ये, और इधर देखो ये, और यहीं पे सामने ही रेस्टोरेंट है और खाना बहुत अच्छा है इसका। दिस इज कृष्णा। लेट्स ट्राई टू गेट इन और फिर अपना यम्मी यम्मी इंडियन फूड। भाई दो कहीं भी चले जाओ, अपनी भूख तो उससे ही मिलती है, इंडियन फूड से। आई थिंक यहाँ ओपन है, यही तो है। हाँ यही है। लेट्स स्टार्ट। चलो हंगर खत्म करी जाए। यून कैसा है? यम्मी यम्मी डोसा विद मैंगो लस्सी। इंडियन स्टाइल सिंगापुरी नूडल्स, मजा आ गया। कैसा ट्राई करो। Yeah.
ओके मत खाओ अभी आएगा बटन। सो अभी हमने वहाँ से खाना फिनिश करके अब डेनेक के मेन सिटी एरिया में हम आ गए हैं और खाना वहाँ बहुत अच्छा था। अब आगे चलते हैं। लेट्स गो युवान। ये जो सारी बिल्डिंग है ना रेनू, ये मतलब यहाँ पे इनका मतलब पार्लियामेंट या एडमिनिस्ट्रेशन जितना भी होता ना वो यहाँ से होता था, इस बिल्डिंग से पहले। अभी भी होता है ये, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन सारी बिल्डिंग है ये, और ये राजा का कोई मतलब जो पैलेस है वो जो वहाँ पे देख रही हो, जो स्टार सा बन रहा है वहाँ पे ऊपर, यहाँ पे मतलब इनका किंग भी रहता था पहले। ये ओल्ड मतलब वो है, देखो लिखा ना वहाँ पे हॉलैंड भी लिखा हुआ है, वहाँ पे पूरा ऑल इंडिया। यूरोपियन यूनियन के झंडे लगे हुए हैं। नाइस प्लेस। ये पता है अभी तो नहीं है पर जब कौन सा टाइम मतलब जो हुआ था ना, ये स्टार्टिंग में होते हैं यहाँ पे फॉल के टाइम में, क्योंकि ये येलो हो जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ना पूरा इस पे रेड कलर के इस ब्रिज पे ना फ्लावर लगाए थे रेड कलर के। तो कैसी है जगह? बहुत शांत है, लोग बड़े अच्छे हैं यहाँ पे ना। आफ्टर एक्सप्लोरिंग द सिटी एरिया वी कम बैक टू द बीच अगेन, क्योंकि हमारे वहाँ पे ट्रेन में अभी टाइम था, अभी 3 से 4 घंटे बच रहे थे, शायद 2:30 हुआ था, और हमारी ट्रेन शाम को 6 बजे है, तो अभी हम इसलिए वापस बीच पे आ गए हैं, तो हम शाम तक यहाँ पे बीच पे ही रेस्ट करेंगे, देन हम आगे जाएंगे। Thank you.
विनय आज धूप मिल गई आपको? पूरी धूप मिल गई आज, पूरा व्यू मजे आ रहे हैं पूरे मजे, धूप में बैठे 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 नींद आने लगी। यही रिलैक्स चाहिए था ना डेनहाग में, तो कितना रिलैक्स चिल कर रहे हैं। युवान आप तो बहुत ज्यादा सी में नहाए थे, कैसा लगा था आपको? फुल मस्ती करके आया है, पता है इसने अपनी एक फ्रेंड बनाई वहाँ पे, लो कोल ड्रिंक, इसने वहाँ पे अपनी एक फ्रेंड बनाई, उसके साथ सी में बहुत नहाया था। वो पता है एक बार ही गिर गया था उसमें युवान ये आप क्या खा रहे हो यार? ये सही है ना यहाँ पे कि बच्चों के ना वो बनाए हुए हैं स्लाइड्स वगैरह, तो अपना पेरेंट्स आराम से लेटो एंड बच्चे यहाँ पे स्लाइड कर सकता है, जंपिंग कर। वाव इतना मस्त लगता है शांत। आप ये क्या पी रहे हो? ओ, पूरी पीली। सेंट्रल तो हमने घूम लिया, और घूमने के बाद वहाँ पे मतलब अभी हमें कुछ ऐसा कुछ मेन सिटीज़ हैं यूरोप की, ऐसी सारी सिटीज़ होती हैं और बाकी आपको दिखाई दिया था। तो हमें वहाँ पे हमारी ट्रेन भी वैसे शाम की है 6 बजे की, और हमने सोचा कि 6 बजे तक वहाँ पे हम और ज़्यादा क्या ही घूमेंगे, और तो इसलिए हम वहाँ से दोबारा हमने बीच के पास आ गए और यहाँ पर शेक पे आके बैठ गए। ये क्लब्स बने हुए हैं बहुत सारे, तो यहाँ पर 5 बजे तक यहाँ बैठेंगे, 6 बजे हमारी ट्रेन है, तो यहाँ से 20 मिनट लगेंगे वहाँ पहुँच के ट्रेन पकड़ के, फिर अपना नज़र लौट जाएंगे। तो ये व्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा ही है। नेक्स्ट व्लॉग में हम मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री, होपफुली हम जल्दी ही जाएंगे स्विट्ज़रलैंड, तो स्विट्ज़रलैंड की भी ट्रिप हम चालू करेंगे। तो प्लीज़ इस व्लॉग के बारे में बताइएगा कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा, डू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, तो प्लीज़, और अगर कोई भी अच्छी नहीं होगी बट धीरे धीरे टाइम्स के साथ आई विल श्योर यू दैट कि अच्छी हो जाएगी। आप प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करें और थोड़ा सा कम चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Okay, bye bye. See you in your next scene. Okay, bye bye. See you in next video. Till then, tschüss.